विस्तार से खबरों को देखेंगे। हरदा का जिक्र करते हैं, विस्फोट मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में बड़ा मौत का आंकड़ा, विस्फोट में घायल 8 साल के मासूम की मौत हो गई है। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में गंभीर रूप से घायल था और अब मौत हो चुकी है। बता दें, बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, पटाखे की फैक्ट्री में कई सारी जिंदगियां चली गई और कई सारे लोग इसमें घायल हुए थे और लगातार कहीं ना कहीं हालत खराब होती जा रही है। गंभीर लोगों की हालत हो रही है, जो अस्पताल में भर्ती है, जो इस घटना का शिकार हुए, और एक और मौत इस मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, बेहद ही दुखद, एक के बाद एक खबर आ रही है, जिस तरह से इलाज जारी है, गंभीर हालत है, एक मासूम की मौत। जी हाँ, ये हरदा में 6 फरवरी को जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद आज तक जो है लगभग इसमें 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। आज एक और मासूम बालक आशीष उर्फ पीयूष, उसकी 8 वर्षीय बालक है ये, उसकी भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। काफी दुखद हादसा है, क्योंकि ये बालक जो है 8 साल का, ये उस हादसे में घायल हो गया था। इनका घर जो था वो फटाका फैक्ट्री के पीछे ही था और उस दरमियान ये भागते हुए बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए इन हरदा से भोपाल रेफर किया गया था और आज एक इलाज के दौरान इस बालक की मौत हो गई। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा कि हरदा में अभी भी लोग नहीं चेत रहे हैं, अभी भी कई जगह फटाके मिल रहे हैं। आज भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक के किनारे 75 बोरी में सुतली बम मिले हैं और ये सुतली बम अगर हम माने तो ये किसी के घर में रखे हुए थे, जो उन्होंने डर के मारे रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरीके के बम मिलना और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चिंगारी इनमें लग जाती तो, चूंकि रेलवे जो हरदा रेलवे ट्रैक है वो काफी व्यस्त रेलवे ट्रैक माना जाता है, इंदौर बॉम्बे और दिल्ली रूट का, इस कारण यहाँ पर कोई घटना भी हो सकती थी, लेकिन जो अज्ञात लोग थे उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की और वहां पर बम फेंक दिए। प्रशासन ने उन बमों को जब्त करके और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की। कल भी यहाँ पर नहर में इसी तरीके से 5 बोरी बम फेंके गए थे। ठीक, जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे कि किस तरह से बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोग घायल हुए और सभी का इलाज जारी है। इसी बीच एक 8 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये भी बता दें, रेलवे ट्रैक किनारे बम का जखीरा भी मिला था। लगातार इसमें जो है कार्रवाइयां भी जारी है, दबिश दी जा रही है। ट्रैक किनारे सुतली बम का जखीरा मिला, 70 से 75 बोरियों में बम रखा हुआ था। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, छापा मारा गया प्रशासन की टीम के द्वारा। नहीं, वो अभी फटाके की जानकारी वो है अपने सिविल थाने वाले बता पाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने किया, हम मेरे को अभी जानकारी लगी है केवल। क्या जानकारी लगी थी आपको? कि कुछ फटाके मतलब रेलवे ट्रैक उधर कुलरदा के उधर कहीं कुछ मिला है, तो उन्होंने कार्रवाई कर ली है।